Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. गांधी परिवार से अच्छे संबंध और अपने संबंध मजबूत करने की ये पहल कहीं दिखाई दे रही है ऐसा बात ऐसी है भाई, उद्धव जी पहली बार सोनिया गांधी जी से नहीं मिले, उद्धव जी पहली बार राहुल जी खड़गे जी से नहीं मिले। जब से महाविकास आघाड़ी बनी है तब से हमेशा इस परिवार से हमारा रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी जी से भी हमारा रिश्ता रहा है, बाला साहब जी का, संजय गांधी जी से रिश्ता रहा है और राजीव गांधी जी से भी रिश्ता रहा है। हम एक ऐसे फ्रंट में है, ऐसे अलायंस में है जो तीन पार्टी है और जिसका हाईकमांड दिल्ली में है प्रमुख पार्टी का। तो हमारा एक दायित्व तो बनता है जब हमारे पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे साहब यहाँ आए हैं परिवार के साथ, तो एक रिश्ता कायम रखने के लिए हम एक दूसरे को मिलते हैं। सोनिया जी के साथ जो हमारी कल बैठक हुई उसमें राजनीति की चर्चा कम हुई और पारिवारिक चर्चा ज्यादा, लेकिन राहुल जी और खड़गे जी के साथ जरूर महाराष्ट्र की बातें हुई, देश की बातें हुई, ये होता रहता है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जिस संकट से गुजरी है उस समय हमारे दिल्ली के सभी नेताओं ने हमको एक समर्थन दिया था कि आप लड़ो, आपकी लड़ाई जारी रखो, हम आपके साथ। अब हम महाराष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है दिल्ली में आकर सबसे मिले। मुख्यमंत्री पद लेकर पिछले बार 2019 में जो कुछ देखने को मिला, क्या इस बार भी ऐसी स्थिति आपको लगता है? हम चुनाव पहले लड़ेंगे, हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है, तीन पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार ऐसी पार्टी लड़े जो वहां जीत सकती है। जहां एनसीपी, जहां कांग्रेस, जहां शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दर दिन डालते है, ऐसे सरकार खोखे सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहां बैठे उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है, हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारना है, हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकाला। कल भी चर्चा लोकसभा में बिल आया था, लेकिन वहां पर कोई सांसद उस वक्त मौजूद नहीं थे। आरोप आप पर लगाया जा रहा है जो सत्ताधारी दल है वो लगा रहा है कि जो हिंदुत्ववादी आपकी छवि थी अब वो नहीं, बोर्ड का विषय आता है तो समर्थन नहीं है। हमने देखिए अभी तक ये जो बिल है चर्चा पर नहीं आया है, वो जो बिल है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया है, उसमें हमारे मेंबर होंगे, उसमें सभी पार्टी के लोग, उसमें चर्चा होगी, बाद में वो वापस आ जाएगा बिल दुरुस्त होकर। जिस बिल पर चर्चा ही नहीं हुई सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अब उसके ऊपर हम पर क्यों आरोप कर दे? चर्चा तो होनी चाहिए। देखो अगर ये कोई भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम भाग गए, नहीं हम भागेंगे नहीं, हम हमारी बात रखेंगे। अगर ये लैंड जिहाद की बात करते हैं कोई, तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन, 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है? अब देख लीजिए, क्या ये लैंड जिहाद नहीं है? जो मैं कहता हूं कि धारावी के बदले में 20 बड़े भूखंड एक उद्योगपति को मिल रहे हैं बिना वजह, वो लैंड जिहाद नहीं है? वो तो वक्फ बोर्ड से भी बड़ा भ्रष्टाचार है अयोध्या में और धारावी में, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। केदारनाथ से 500 किलो सोना गायब हुआ है, तो हम उसके ऊपर भी जब ये चर्चा में आएगा तो सब हिंदू मुसलमान नहीं होगा,
बात देश की होगी, किसी धर्म की बात नहीं है। किसने कितनी जमीने ली है वक्फ बोर्ड की और उस जमीन पर किस किस उद्योगपति ने, जो मुसलमान नहीं है, अपने टॉवर्स, अपने घर खड़े किए हैं, अपने बड़े बड़े होटल्स उस वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग पर बांधे हैं, जमीन पर बांधे हैं, ये सब आ जाएगा चर्चा में। हम क्यों भागे? हमारे पास तो इतना मसाला और मटेरियल पड़ा है भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये बिल कब आए। लेकिन कुछ लोग जो है सत्ताधारी पार्टी है, वो बिना वजह उसको हिंदू मुसलमान का एक रंग देना चाहते।